अगली खबर का रुख करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव में हाई वोल्टेज ड्रामा देखा जा रहा है। आज वोट डालने जाने हैं ओवैसी समेत कई बड़े नेताओं ने वोट डाला। गृह राज्य मंत्री ने भी मतदान किया है। 150 वार्ड में वोटिंग के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा इंतजामों में 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये हैदराबाद की जंग है और आज हैदराबाद की इस जंग में बड़े बड़े योद्धाओं की किस्मत सील बंद हो गई। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं केटीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री केटीआर अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग सेंटर पर सबसे पहले पहुंचे हैं। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जंग शायद अब तक की सबसे बड़ी कड़वाहट वाली जंग रही होगी, क्योंकि कभी इस तरह की लड़ाई हैदराबाद ने नहीं देखी। सबसे खास बात यह कि यहाँ ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं और जिसमें पारंपरिक लड़ाई थे जो कि टीआरएस कांग्रेस और एमआईएम के बीच होती रही, इस बार उस पारंपरिक लड़ाई में बीजेपी जिस तरह से उतरी उसने पूरे चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया। लेकिन आज दिन है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का, जिसके लिए हैदराबाद का क्या आम आदमी क्या खास आदमी हर कोई अपने पोलिंग सेंटर तक पहुंचेगा और उसके बाद नतीजे जब होंगे तब पता चलेगा कि क्या बीजेपी के लिए दक्षिण का दरवाजा खुलेगा या फिर ओवैसी अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे। फिलहाल हैदराबाद में संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।